हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन फिर भी यह बहुत सारे सवालों और गलत फहमियों से घिरा हुआ है। फिनास्ट्राइड, चाहे आप इसे बालों के झड़ने या अन्य कारणों से मान रहे हों, हमने आपके लिए वह सब कुछ कवर किया है जो आपको जानना आवश्यक है। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने से कभी न चूकें। तो फिनास्ट्राइड वास्तव में क्या है? वेल, यह एक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मेल पैटर्न में गंजापन के इलाज के लिए किया जाता है, जिसे एंड्रोजेनेटिक अलोपीसिया भी कहा जाता है। ये एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस को रोककर काम करता है, जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) में कन्वर्ट करता है, जो बालों के रोम को सिकोड़ने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करके फिनास्टेराइड बालों के झड़ने को धीमा करने में मदद कर सकता है और कुछ मामलों में बालों के रीग्रोथ को भी बढ़ावा दे सकता है। अब बात करते हैं फिनास्टेराइड के फायदों के बारे में। बालों के झड़ने का अनुभव करने वाले कई पुरुषों के लिए यह गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन किसी भी दवा की तरह फिनास्टेराइड भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स के साथ आता है, जिनके बारे में आपको अवगत होना चाहिए। सबसे आम दुष्प्रभावों में कामेच्छा में कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इजैक्युलेशन की मात्रा में कमी शामिल है। हालांकि ये दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं और आम तौर पर दवा बंद करने पर इन्हें बदला जा सकता है, लेकिन फिनास्टेराइड शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ इन पर चर्चा करना आवश्यक है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस जानकारी से लाभान्वित हो सकता है, हमेशा की तरह। और ऐसी जानकारी पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें द फार्मासिस्ट चैनल को। नमस्कार।